अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। ए पर्सन होल्ड्स बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू ए फ्रेंड। ए कार स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क। हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। कह रहा है एक आदमी है, उसने बैग उठाया हुआ है, वो खड़ा हुआ अपने दोस्त से बातें कर रहा है, और एक गाड़ी है वो खड़ी हुई है लेकिन उसका इंजन स्टार्ट है। इन दोनों के अंदर वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी सिचुएशन, मतलब क्या चीज़ जो है ना सिमिलर है। देखिए दोनों में फोर्स मौजूद है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिस वजह से दोनों सिचुएशन में वर्क नहीं हो रहा। अब वो आदमी जिसने बैग उठाया वो फोर्स लगा रहा है उसके वेट के बराबर, डेफिनेटली वो मूव नहीं करा रहा उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिस वजह से कोई वर्क नहीं है। और कार स्टेशनरी है, कार खड़ी हुई है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रही लेकिन उसका इंजन स्टार्ट है, मतलब फोर्स मौजूद है उसके पास भी, तो उसमें भी वर्क नहीं है। तो दोनों सिचुएशन में ये है कि वर्क नहीं हो रहा, ज़ीरो है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो दोनों में लेकिन फोर्स मौजूद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल इन लिफ्टिंग ए मास ऑफ 10 kg एट ए स्टडी वेलोसिटी थ्रू ए वर्टिकल हाइट ऑफ 10 meter। वर्क कैलकुलेट करें, किलो जॉल के अंदर आंसर देना है जब आप एक 10 kg मास को लिफ्ट करेंगे वर्टिकल हाइट 10 meter पे। देखें एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, एफ आप कितना लगाएंगे जितना उसका वेट होगा एम जी, और डी कितना जितना हाइट देंगे एच, और कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 0 degree। अगर आप अपवर्ड फोर्स की वजह से ले रहे हैं तो कॉस 0 1 दे देगा। फिर देखें 10 आ गया, एम जी उसका, एम उसका 10, जी 9.8, एच भी 10 है तो मल्टीप्लाई कर दें 980 जॉल। फिर आप 1000 से डिवाइड करें उसको, किलो जॉल लगा दें 0.98980 किलो जॉल आ जाएगा उसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्स एफ एक्ट थ्रू ए डिस्टेंस एल, द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F एंड देन एक्ट थ्रू ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L। फिर एक फोर्स एक्ट करती है एफ, डिस्टेंस लेता है एल, फिर फोर्स कितना इंक्रीज हो जाती है 3F तक, और फर्दर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 2L। तो अब वर्क हम बताएं लेकिन डायग्राम बना के देखें। यहाँ पहले देखें, पहला जो ब्लॉक है छोटा सा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंथ, वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स। पहले इनिशियली एफ फोर्स अप्लाई गई, लेंथ डिस्टेंस कवर किया गया तो ये आई शेप। उसके बाद हमने फोर्स कितना बढ़ा दी 3F तक, और फर्दर 2L हमने डिस्टेंस कवर किया जो कि 3L हो गया वो यहाँ तक, तो ये स्केयर साथ आ गया। इसको सबको शेड करो तो आंसर आ जाएगा। पहले देखें सिंपली एफ क्रॉस एल था, बाद में 3F मल्टीप्लाई बाई 2L कवर किया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 6FL हो गया, और ये भी FL तो इसको ऐड कर लें टोटल 7FL वर्क आ गया। डायग्राम बनाना लाजमी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इज़ मोर वर्क डन व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू अ 50 cm, और व्हेन 50 kg क्रेट इज पुश थ्रू 2 meter अक्रॉस द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 50 N। दो केसेस डिस्कस कर रहा है और आपने बताना है कि किस में ज़्यादा वर्क है। देखें इसमें देखें, पहले 50 kg का बैग है उसको 50 cm 50 cm ऊपर जो है ना लिफ्ट करना है, या फिर दूसरा केस जो 50 kg का क्रेट है उसको 2 meter हमने डिस्प्लेसमेंट देना 50 N फोर्स के साथ। पहले केस को सॉल्व करते हैं, पहले मास 50 kg, हाइट 50 cm, उसको कन्वर्ट करें 0.5 meter हो जाएगा वर्क फाइंड करना, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा क्योंकि हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं, एम जी एच आ जाएगा एम 50 जी 9.8 एच 0.5 245 जोल आ जाएगा। उसके बाद फिर आप 50 N की फोर्स यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसको 2 meter देते हैं, तो सिंपली एफ एस आ जाएगा, एफ की वैल्यू 50 और एस की वैल्यू 200 जॉल। तो पहले केस में वर्क ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 joule पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। अगर एक बॉडी के पास 1 joule पोटेंशियल एनर्जी, इसका क्या मतलब है? देखिए जो एनर्जी की डेफिनेशन थी वो ये सिंपली थी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो अब यहाँ पर 1 joule पोटेंशियल एनर्जी है, इट मीन्स कि वो बॉडी 1 joule वर्क कर सकती है ड्यू टू इट्स पोजिशन, 1 N फोर्स अप्लाई कर सकती है और 1 meter जो है वो डिस्प्लेसमेंट ले सकती है ड्यू टू इट्स पोजिशन। तो यहाँ पर देखें, इट मीन्स दैट वर्क हैज़ बीन डन ऑन द बॉडी बाय फोर्स ऑफ 1 N विच इज़ हैज़ लिफ्टेड बॉडी थ्रू ए हाइट ऑफ 1 meter, यानी 1 N फोर्स लगाई गई उसको 1 meter का हाइट दे दी गई। दिस वर्क हैज़ बीन स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो वर्क था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया जो कि 1 joule है, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट हैव 1 joule पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ 1 joule ड्यू टू इट्स पोजिशन। तो नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन जो है, बॉल ऑफ मास एम इज हेल्ड एट अ हाइट एच 1 अबव द टेबल, द टॉप टेबल टॉप एट द हाइट एच 2 अबव द फ्लोर। वन स्टूडेंट सेज दैट बॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच 1, बट अनदर सेज दैट इट इज एम जी एच 1 प्लस एच 2 इज करेक्ट। देखिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक कह रहा है वो उनके सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल की जो सरफेस है वो अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है एच 2 की हाइट पे, और एक बॉल पकड़ी हुई है जिसका मास एम है जो कि टेबल सरफेस से एच 1 की हाइट पे है, और अगर टोटल ले लेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ फिर वो डबल यानी एच 1 एच 2 ऐड कर लेंगे, एच 1 प्लस एच 2 हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट कहता है कि इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच 1 है,
दूसरा कहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच वन प्लस एच टू है, तो कौन सही है? देखें दोनों ही सही हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट ली जाती है। अगर एक स्टूडेंट एम जी एच वन कह रहा है, इट मीन्स कि वो रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ द टेबल कंसिडर कर रहा है, और अगर एक स्टूडेंट एम जी एच वन प्लस एच टू कह रहा है तो वो सरफेस ऑफ द अर्थ को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहा है। इसलिए दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों की स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। उसके आगे देखिए नेक्स्ट, व्हेन अ रॉकेट री एंटर द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कॉन बिकम वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम? देखिए एक रॉकेट है वो एटमॉस्फेयर में वापस आता है, उसकी नोज कॉन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, उसकी ये वाली एनर्जी मतलब हीट एनर्जी कहाँ से आती है? देखें जब रॉकेट एटमॉस्फेयर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आता है तो डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैसेज हैं, तो वो सारे क्या है एयर फ्रिक्शन यानी कि ड्रैग जो यानी क्रिएट करते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन पार्टिकल की वजह से जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क में लॉस होती है, और तो काइनेटिक एनर्जी जो रॉकेट की लॉस होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी जो उसके नोज कॉन को जो है ना वो हीटअप कर देती है। आगे है जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग, ये सिचुएशन लिखी हुई है, इनमें बताएं एनर्जी किस किस्म की है। कंप्रेस स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग के पास एनर्जी कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वाटर इन ए हाई डैम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, हाइट पे स्टोर है। मूविंग कार, काइनेटिक एनर्जी होगी, बस ये बताना होता है इसमें। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल ड्रॉप्स ए कप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इन टू पीसीज, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व? कह रहे एक लड़की ने कप गिरा दिया, वो नीचे गिरा, पीसीज में डिवाइड हो गया, तो आप बताएं उसमें कौन सी एनर्जी चेंजेस आई? देखें जब कप हाइट पे पकड़ा हुआ था, कप के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, कप को ड्रॉप किया गया, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, और जब कप जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी साउंड में और हीट में और वर्क डन टू ब्रेकिंग द कप इनटू पीसीज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, तो ये एनर्जी चेंजेस होंगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ए बॉय यूजेस अ कैटापल्ट टू थ्रो ए स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेज ए ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। अरे एक लड़का है, उसने कैटापल्ट यानी गुलेल की मदद से एक पत्थर जो है ना स्टोन वो ग्रीन हाउस की विंडो को जाके लगा है, यानी विंडो का शीशा टूट गया था, अब बताएं कौन सी एनर्जी चेंजेस। लेकिन सबसे पहले तो उसने गुलेल के अंदर स्टोन रखा, उसको स्ट्रेच किया, उसने वर्क किया, और जो वर्क किया उसने वो स्टोन के अंदर वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब उसने वो रिलीज़ किया स्टोन, वो जो गुलेल है वो रिलीज़ कर दी, तो वो स्टोन मूव करने लगा, स्टोन हाई स्पीड से मूव करेगा क्योंकि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन में, और जब वो स्टोन जाके स्ट्राइक करेगा विंडो को यानी वो जो मिरर को, तो डेफिनेटली वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड में जाएगी, हीट में जाएगी, और वर्क डन इन ब्रेकिंग द विंडो इन टू पीसीज, और जो विंडो के जो मिरर है उसको पीसीज में डिवाइड करने के लिए वर्क में खर्च हो जाएगी। इस तरह एनर्जी जो है ना चेंजेस आ रही है एनर्जी के अंदर। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, अच्छी तरह तैयार करने हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।